दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ से हम होटल कैसे जाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये आप एरिया देख लें, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने का, ये यहाँ पर पुलिस चौकी है और यहाँ सरदार पटेल की एक स्टेचू लगा हुआ है इन दरख्तों के बीच में, और ये यहाँ पर झंडा आपने देखा, और ये स्टेशन का एंट्री गेट जो है उसके बिल्कुल बाहर हमें निकलना है। यहाँ जैसे हम निकलेंगे तो सामने गली है, ये देखिए आप उधर गली है एक दो, और एक ये साइड में, ये बाजू में इधर हम चलेंगे तो ये बाजू में एक गली है, हम दोनों गली से जा सकते हैं। ये देखिए आप सामने जो बिल्डिंग, और ये सामने मॉस्क है, मस्जिद है, इसके पीछे की तरफ है, बिल्कुल दोनों तरफ से रास्ता है, आप इधर से जाएँ या इधर से जाएँ, इसके पीछे की तरफ जाना है। आइए चलते हैं आगे। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, एक इधर ये गली है, इस रोड से इस गली से हम जा सकते हैं, और इधर हम घूम के देखेंगे तो एक सामने, उधर तक हमें चल के जाना है, उधर एक गली है, उस गली से हम जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। जैसे ये सामने गली है, हमें इसमें जाना है, हम इधर से चल के आए हैं। ये सामने जो है, यहाँ सरदार पटेल का स्टेचू है, और यहाँ से हम चल के आए हैं तो ये गली है, आप देख लें ये ऐसा इलाका है, और इस रोड पे, इस गली में हमें अंदर जाना है। आइए चलते हैं। इस गली से हम चल के अभी यहाँ तक हम आ गए हैं, ये देख लें आप इस पूरे व्यू को, और यहाँ हमें अंदर जाना है। आइए चलते हैं। यहाँ से हम जैसे अंदर आते हैं तो ये व्यू है, और ये सामने अमन एसी डॉर्मेट्री एंड गेस्ट हाउस, यहाँ हमें चलना है आगे। आइए काउंटर पे चलता हूँ और जो भी मैनेजमेंट है इनसे आपको मैं बात करा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा डॉर्मेट्री, अमन एसी डॉर्मेट्री एंड गेस्ट हाउस, और यहाँ का ये रिसेप्शन का व्यू है आपके सामने। आप यहाँ आते हैं तो ये भैया आपको मिलेंगे, और भी स्टाफ यहाँ बहुत सारे हैं दिन के लिए, रात के लिए। आपका नाम बताएं भैया? रामदास। रामदास जी, तो यहाँ क्या 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 मिलता है, कैसे क्या सुविधा है, कैसे है? बेड है, बेड देते हैं, ऊपर नीचे बेड है, ऊपर नीचे बेड है, तो डॉर्मेट्री का सिस्टम हो गया। हाँ। तो क्या हिसाब किताब है? नीचे का बेड का 350 है, ऊपर का 300, ऊपर का 300 लेते हो और नीचे का 350 है, और उसके साथ क्या सुविधा देते हो? टॉवल, साबुन, शैम्पू, पानी की बोतल, वाईफाई, 24 घंटे का चेकआउट टाइम, 24 घंटे का टाइम, वाईफाई भी है और पानी की बोतल भी मिलती है, एक मिनरल वाटर की बोतल मिलती है, और 24 घंटे का चेकआउट है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये हिसाब किताब यहाँ का है, आप देख लें ये क्या क्या यहाँ पे शर्तें होती हैं, जो भी है ये यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और ये पूरा रूल और रेगुलेशन जो होते हैं डॉर्मेट्री में, जो नॉर्मल होते हैं वही है, बाकी बिल्कुल नया और बहुत ही अच्छा होटल मेरे को लगा। ये देखिए आप, ये पूरा रिकॉर्ड होता है यहाँ पर, और ये अंदर का है, मैं आपको दिखा देता हूँ रूम वगैरह। ये जैसे, हाँ ये जैसे अभी मैंने जूता डाल रखा, जूता डाल के जाना अंदर अलाउ नहीं है। ये ऐसे डबल बेड मिलेंगे, जैसे आप देखिए ये ऊपर का और ये नीचे का, और नीचे ये सामान के लिए आपको लॉकर भी मिल जाता है, और मोबाइल के लिए भी, और आपको एक ये अलग से चाबी के साथ मिल जाता है, आप अपना चार्ज लगा के यहाँ पर रख सकते हैं, पानी की बोतल मिलती है और कंबल वगैरह, ये पूरा सुविधा है, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको बेड दिखाऊं, ये मेरा बेड है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये ऊपर का बेड का नंबर होता है और ये नीचे का बेड का नंबर होता है, तो ये मेरा बेड है, पिलो है, कंबल है, अच्छी बेडशीट है, और ये आपको नीचे लॉकर भी मिल जाता है, काफ़ी बड़ा अभी तो लॉक लगा इसको, और ये आपको इसके लिए मिल जाता है मोबाइल के लिए, और एक पानी का बोतल। मैं आपको वाशरूम भी दिखा देता हूँ, ये जैसे वाशरूम का गेट है, तो यहाँ ये अलग से चप्पल भी हमें मिलती है वाशरूम जाने के लिए, जैसे ये बाथरूम और टॉयलेट दोनों हैं, ये बाथरूम है इसमें, ये बाथरूम टॉयलेट दोनों है, तो एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ इधर देसी है, इस तरह से पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा,
USA में ये मिल जाते हैं, और वॉश बेसिन लगे हुए हैं, शीशा लगा हुआ है दोनों तरफ, इधर भी वॉश बेसिन लगा हुआ है। अच्छी सुविधा है यहाँ पर यदि हम यहाँ आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।